स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में झंडोत्तोलन किया गया। कृषि मंत्री सह भागलपुर प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत ने एसएसपी संघ परेड का निरीक्षण कर झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। वहीं मंत्री ने दो स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित भी किया। इस दौरान मंत्री ने बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे विकास योजनाओं को विस्तार पूर्वक आम लोगों को बताया और कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है। पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित की योजनाओं से लोग काफी लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी कानून और दहेज उन्मूलन को लेकर किए गए कार्य ने देश में बिहार के मान और मर्यादा को बढ़ाया है। झंडोत्तोलन के दौरान परेड में भागलपुर जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, दंगा नियंत्रण बल, एनसीसी समेत कई प्लाटून शामिल थे। मंच पर प्रमंडलीय आयुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी, एसपी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। आज चूंकि ये महान पर्व है और आज के दिन देश और दुनिया में संदेश यही जाता है, यह जो खुशहाली, यह जो महान पर्व देश के सभी जाति धर्मों ने मिल करके जो है ये देश को दिया था, इसलिए मैंने आज मन से कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इसी नारे और इसी बुलंदी के साथ हिंदुस्तान जो है बहुत ऊंचाई तक जाएगा। और पूरे देश के लोगों को हमने संदेश दिया इस भागलपुर के तिलका मांझी के पवित्र धरती से, यह देश सबका है, यह देश महान है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी जो है भागीदारी है, यह मिट्टी की जो खुशबू है यह सभी जाति धर्मों की खुशबू है और देश तरक्की करेगा और देश को किसी की नज़र नहीं लगेगी। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवासीय परिसर स्थित कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज का झंडोत्तोलन कर सलामी दी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि बड़ी कुर्बानी देने के बाद अपना देश आजाद हुआ है, आज हम सभी स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी लोगों के बलिदान को याद करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस दौरान अजीत शर्मा ने कहा कि अभी देश तोड़ने वाली ताकत जो देश के साथ गद्दारी कर रही है वो सरकार चला रही है, देश की जनता वर्तमान सरकार से ऊब चुकी है और अगले लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। झंडोत्तोलन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता पार्टी गद्दी सुखाड़ फेंकेंगे और जनता अगर चाहेगी, और मुझे लगता है जनता चाहेगी, और आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। भागलपुर नगर निगम में महापौर वसुंधरा लाल के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन के बाद महापौर ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बताया। मौके पर सभी वार्ड के पार्षद और नगर निगम के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से हमारे देश को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली थी। साथियों, ऐसा नहीं है कि यह आज़ादी हमें कोई एकाएक मिल गई हो, बल्कि यह सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों की कठोर तपस्या, कड़े संघर्ष, बलिदान और त्याग का परिणाम था। आज का दिन इस देश को स्वतंत्र कराने वाले उन सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का भी है जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपने को साकार किया है। इन्हीं की बदौलत आज हम सभी स्वतंत्र राष्ट्र में खुली आबो हवा में सांस ले पा रहे हैं। मैं उन सभी शहीद बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भारत भले ही विविधताओं से भरा देश हो, विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं, जातियों, धर्मों, वेशभूषाओं के लोग रहते हों, सबका रहन सहन भिन्न हो, लेकिन यह दिन सबके लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इस दिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ आज़ादी की सालगिरह मनाई जाती है। स्वतंत्रता दिवस पर हम भारतवासियों के लिए आज़ादी के उपरांत इस देश की प्रगति पर
गौरवान्वित होने और सभी नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का भी समय है। इसमें कोई शक नहीं कि इन बीते 76 वर्षों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमारा हर संभव प्रयास रहा है कि ये हमारा भारत हमेशा बेहतर रहे और बेहतर रहे। लेकिन हम अभी भी आज सामाजिक व लैंगिक समानता, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय, समृद्धि व शैक्षणिक विकास सुनिश्चित करने के दायित्वों में एक लंबा सफर हमें तय करना है। इस देश को एक प्रेरणादायक राष्ट्र बनाने के लिए इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर अपने भारत देश को अन्य देशों की तुलना में एक बेहतर राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने का दिन है। चाहे फिर वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी रंग भाषा के ही क्यों ना हो। भागलपुर के टाउन हॉल में जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त पूर्वी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, नौगछिया पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत टाउन हॉल का रिनोवेशन कराया गया है। वहीं स्मार्ट सिटी के द्वारा आज ही टाउन हॉल को जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया। रंगारंग कार्यक्रम के दौरान शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति को लेकर कई तरह के नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शकगण मौजूद थे। वही नन्हे मुन्ने बच्चों को खूब सराहना मिली। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के हरनौत पंचायत के मिल्की गांव में कुएं में पानी का मोटर ठीक करने के लिए उतरे एक युवक की मोटर से करंट लगने से मौत हो गई। युवक जब नीचे उतरा तो मोटर में करंट प्रभावित होने लगा, जिससे पूरे कुएं में करंट फैल गया। वो छटपटाने लगा। इसके बाद एक एक कर तीन लोग कुएं में कूद गए, जिसमें से तीन लोगों की मौत अभी तक हो गई है। वहीं एक घायल है, जिसका प्राथमिक उपचार शाहकुंड प्राथमिक केंद्र में करने के बाद घायल को मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। तीन लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं घटना को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुल्तानगंज, अंचलाधिकारी सुल्तानगंज और शाहकुंड थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कैसे घटना घटा पता है? अरे घटना को ये वो जो आशीष नहीं है वही कुएं में ढुका था, उसको लाइन लग गया था। ये लोग गिरा निकालने के लिए लोग के साथ साथ में लग गया हो। आप क्या नाम हुआ? आप क्या नाम हुआ? मरान बीका। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। आजादी की खास मौके पर बिहार समेत देश के तमाम किसानों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही अपने संबोधन में कहा कि बढ़ती जनसंख्या के लिए सीमित खेती लायक जमीन से उन्नत पैदावार लेना अब बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार और सरकार किसान हित में अनेकों प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास तब सफल होगा जब हमारे किसान जागरूक हो, माटी जैसे संसाधन का उचित इस्तेमाल करें। देश की सबसे बड़ी सलोन श्रृंखला लुक सलोन के साथ मनाइए आजादी का महोत्सव, भारी छूट और बम्पर ऑफर्स के साथ। जी हां, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हां, जेंट्स के लिए ₹650 में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र ₹455 में, ₹2500 में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र ₹1650 में, ₹1900 में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र ₹1330 में, ₹1600 में मिलने वाला हेयर कट, बियर्ड और डिटेन मात्र ₹1120 में, ₹2500 में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र ₹1750 में। साथ ही फीमेल के लिए ₹850 में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र ₹595 में, ₹2500 में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र ₹1650 में, ₹2100 में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र ₹1470 में,
2500 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और D10 मात्र 1750 रुपए में। मतलब देश की आजादी के साथ मनाइए अब अच्छा दिखने की भी आजादी लुक सलोन भागलपुर के साथ। तो आज ही हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है लुक सलोन, डॉक्टर RP रोड, खलीफा बाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, भागलपुर नगर निगम। असंख्य भारतीय क्रांतिकारियों की जीविका, त्याग, बलिदान को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। हम सभी को यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आज़ादी मिली किसे, कितनों की जान गई सूली पर चढ़े, कितनों के नाखून उखड़े, चमड़ी उधेड़े गए, काला पानी की सजा हुई, अपने बीवी बच्चों से बिछड़े, तब हमें आज़ादी मिली। और आज भी उस आज़ादी के लिए हमारे वीर जवान बॉर्डर पर, कोई रेगिस्तान में तो कोई बर्फ में दिन रात ड्यूटी करते हैं, तब आज आज़ादी बरकरार रहती है। और इसी को हम लोग ध्यान में रखें और देश हित में काम करें, और ऐसा कोई काम नहीं करें जो देश हित में ना हो। एक परिवार की भी हानि होती है तो वह देश का हानि होता है, किसी दूसरे का भी हानि देश हानि है। इसीलिए सबके भले की सोचें, अपना तरक्की करें और सुविचार रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सुद्दू साई, पूर्व जिला अध्यक्ष, महानगर जदयू, भागलपुर। आपको एवं आपके पूरे परिवार, मित्र बंधु को स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी प्रणाम, मैं अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास की ओर से समस्त भागलपुर वासियों एवं बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। ओम भास्कर, विधानसभा संयोजक भागलपुर भाजपा की ओर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भागलपुर वासियों, बिहार वासियों एवं देश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, कांग्रेस कमेटी भागलपुर की ओर से तमाम देशवासियों एवं बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजेश कुमार झा, इंस्पेक्टर लोदीपुर थाना की ओर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भागलपुर एवं बिहार वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राजकुमार रंजन, पहल कंसल्टेंसी की ओर से भागलपुर वासी एवं बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं वसरी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जोगसर थाना SI शक्ति पासवान की ओर से तमाम भागलपुर वासियों और बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बिहारी लाल, चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ, IMA के पूर्व सचिव एवं उपाध्यक्ष। मैं डॉक्टरों एवं शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। हमारा देश, हमारा यहाँ की सारी नागरिक समृद्ध हो, प्रगति पे रहे, इसी जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, प्रभात कुमार सिंह, उप परियोजना निदेशक आत्मा भागलपुर की ओर से तमाम भागलपुर एवं बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं शंकर प्रसाद गुप्ता, राजा जुग्गी झोपड़ी प्रपोषक का जिला अध्यक्ष की ओर से तमाम भागलपुर वासियों एवं देश के तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा का हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर, भागलपुर जिला जनता दल यू की ओर से बिहार वासियों को
देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर मणिभूषण, प्रेसिडेंट आई एम ए भागलपुर, डेली न्यूज के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, इस बार का नेशनल थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। सौगंध हमें इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं बटने देंगे। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, मैं प्रिया सोनी, माँ आनंदी संस्था की संस्थापिका, स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी 77वां आजादी के वर्षगांठ मना रहे हैं। महिलाएं हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, चूल्हे से लेकर चंद्रयान तक लोहा मनवा रही हैं। आज हमारे वर्षगांठ, आजादी वर्षगांठ के 76 साल बीत गए, लेकिन क्या आज हम आजाद हैं? महिलाएं आज भी हमारे देश की आधी आबादी जो है स्वयं निर्णय नहीं लेती हैं, अपने निर्णय के लिए या तो पति पिता या बेटे पर निर्भर करती हैं। और भी हमारे यहाँ दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्याएं जैसी कई समस्याएं हमारे समक्ष, हमारे समाज के समक्ष उपस्थित हैं। और हमारे देश तभी आज़ाद होंगे जब हमारी बेटियाँ सुरक्षित होंगी, जब हमारी बहनें आत्मनिर्भर होंगी, और माताएं वृद्ध माताओं को जो सुरक्षित रहेंगी और उन्हें सम्मान मिलेगा। हमारी संस्था इन सभी चीज़ों पे निरंतर कार्य कर रही हैं और कार्यरत हैं। और हम सभी आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी समाज के प्रबुद्ध जन आकर के संकल्प लें, जो हम इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करें, ताकि हमारी देश जो है पूर्णतया आज़ाद हो। और हमें आज के दिन एक बात जरूर यह भी याद रखना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां छत्रपति शिवाजी और महाराज सम्राट अशोक जैसे राजा हुआ करते थे। हम उस देश के नागरिक हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती थी बसेरा। हम उस देश के नागरिक हैं जहां अपनी भूगोल से पहले ब्रह्मांड के भूगोल नजर आया करते थे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रवि झा, चाय उस्ताद, नेशनल हाईवे ढाबा की ओर से तमाम भागलपुर वासियों एवं बिहार वासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं विसहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अजय कुमार राय, मुखिया संघ के अध्यक्ष जगदीशपुर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के पंचायती राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भानुप उत्थान महासंघ के जिला अध्यक्ष की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिलावासियों एवं प्रखंडवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून, लुक सलून। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेस उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।